नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द पावर ऑफ बुक में। आज की बुक समरी है यू आर अ बैड एस एट मेकिंग मनी, जिसे लिखा है जेन सिंसेरो ने। इस किताब में हम देखेंगे कि पैसों के लिए गलत सोच रखना किस तरह से हमें उस तक पहुंचने नहीं देता है। हम देखेंगे कि पैसों के आ जाने से हमारा क्या फायदा हुआ है और किस तरह से हम इसे हासिल कर सकते हैं। पैसों के आ जाने से हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। हम वो काम कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं और साथ ही खुद को कुछ ज़्यादा समय दे पाते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो हम अपना काम छोड़कर वो काम कर पाएंगे जिसमें हमें खुशी मिलती है। पैसे होने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि इसके आ जाने से हम घमंडी और लालची हो जाते हैं। उनका मानना है कि पैसा ही हर समस्या की जड़ है। उनकी यही सोच उन्हें पैसों तक नहीं पहुँचने देती। इस किताब में हम देखेंगे कि यह सोच क्यों गलत है। हम देखेंगे कि कैसे आप पैसों के बारे में अच्छा सोचकर उसे हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो चैप्टर वन है, अगर हमें पैसे कमाने हैं तो इसे लेकर सबसे पहले हमें अपना रवैया बदलना होगा। पैसों को लेकर बहुत से लोग अच्छे विचार नहीं रखते। उनका मानना है कि पैसे एक व्यक्ति को घमंडी या लालची बना देते हैं। वे मानते हैं कि अमीर लोग गरीबों का फ़ायदा उठाकर ही अमीर बनते हैं। वे अमीर इसीलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि उनका मानना है कि अमीर बनने के बाद वे भी उनकी तरह लालची और बेरहम बन जाएंगे। पैसों को लेकर गलत सोच रखने की वजह से बहुत से लोग पैसे नहीं कमा पाते और अपनी जिंदगी गरीबी और मजबूरियों में बिता देते हैं। सच बात तो यह है कि अमीर लोग गरीबों का भला करते हैं, ना कि उनका फायदा उठाते हैं। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों को देखें तो आप पाएंगे कि वे बहुत सारे पैसे चैरिटी में देते हैं, जिससे गरीबों के लिए मुफ्त में खाने, रहने और अस्पताल की व्यवस्था की जाती है। फिल्मी दुनिया में अमीर व्यक्ति हमेशा विलन का काम करता है, जबकि हीरो अक्सर गरीब परिवार का होता है जो लोगों की भलाई करने के बारे में सोचता है। लेकिन असल जिंदगी में अमीर लोग विलन नहीं होते। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफेट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे कामयाब और अमीर लोगों में से एक हैं, जिनकी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपके अमीर बनने के लिए किसी दूसरे का गरीब रहना ज़रूरी है। किसी के जीतने के लिए किसी का हारना ज़रूरी नहीं होता। बहुत से लोगों का मानना है कि दुनिया में पैसों की एक सीमा है और उसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ लोग ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सभी के सुकून से जीने खाने के लिए भरपूर साधन हैं। हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और हम जो भी काम करते हैं उससे समाज के किसी ग्रुप का भला होता है। इस तरह से हम सभी के पास अपना अपना काम है और ठीक उसी तरह हम सभी जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास समय हो ताकि आप अपनी ज़िंदगी में से काम को निकाल कर उसे अच्छे से जी सकें, तो आपके पास पैसों का होना ज़रूरी है। और अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। चैप्टर टू, पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता, लोग उसे पाने के लिए अच्छे या बुरे काम किया करते हैं। पहले के वक्त में जब पैसा नहीं हुआ करता था तो लोगों को व्यापार करने में बहुत परेशानी होती थी। उस समय बॉर्डर सिस्टम हुआ करता था। पैसों की अहमियत को हम दिए गए एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक किसान हैं जिसके पास बहुत सारा गेहूं है और आपको गेहूं के बदले जूते चाहिए। आपका एक दोस्त जूते बनाता है लेकिन उसे जूते के बदले कपड़े चाहिए। ऐसे हालात में व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस सिस्टम में व्यापार करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो वही खरीदना चाहता है जो आप बेचना चाहते हैं, और वो वही बेचना चाहता है जो आप खरीदना चाहते हैं। पैसों के आ जाने से व्यापार करना बहुत आसान हो गया क्योंकि हम इसके बदले कुछ भी खरीद सकते हैं। पैसों के आ जाने से हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है, लेकिन फिर भी लोगों का मानना है कि बहुत से लोग इसके लालच में आकर गलत काम कर बैठते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि गलत काम लोग करते हैं, पैसा नहीं। इसीलिए अगर आपको नफरत करनी है तो उन गलत लोगों के गलत कामों से कीजिए। अगर आप पैसे कमाने के लिए अच्छे से काम कर रहे हैं और ज़्यादा पैसा आने पर दूसरों का भला कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप अच्छा काम कर रहे हैं। पैसों की अच्छाई को समझने के लिए आप उसकी एक अच्छी बात लिखिए और एक बुरी बात लिखिए। फिर उस लिखी गई बात को इस तरह से पढ़िए जैसे कि पैसा कोई व्यक्ति हो
और आप उसे उसकी अच्छी और बुरी बातें बता रहे हो। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि अच्छी बात आपको वाकई अच्छी लगेगी, लेकिन बुरी बात का कुछ मतलब नहीं निकलेगा। चैप्टर 3, पॉजिटिव सोच की मदद से हम अपने हालात बदल सकते हैं। इस दुनिया में हम सभी की खुद की एक दुनिया होती है। हम अपने दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, जिससे हमारा दिमाग अलग अलग कहानियां बना लेता है और समय के साथ हमारा व्यवहार उन्हीं कहानियों के जैसा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर वक्त खुद से कहते रहेंगे कि आप अपनी जिंदगी गरीबी में ही बिता देंगे और कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, तो आप जाने अनजाने में ऐसे काम करने लगेंगे जिनसे आप वाकई कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। दूसरी तरफ, अगर आप खुद से अच्छी बातें कहेंगे और पॉजिटिव बातें सोचेंगे, तो आपका दिमाग सोचने लगेगा कि आप वह काम कर सकते हैं और फिर आप अपने आप ही वैसे काम करने लगेंगे जिससे आप अमीर बन जाएंगे। हम अक्सर चीज़ों को देखते ही या उनके बारे में सुनते ही उन पर अच्छे या बुरे का लेबल लगा देते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि हम अपने दिमाग से जो भी बातें लगातार कहते रहते हैं, हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है। तो क्यों ना हम इससे हमेशा यह कहते रहें कि एक दिन हमारे पास बहुत पैसा होगा जिससे हम सारी दुनिया घूम सकेंगे। इस तरह से यह इस बात को सच मान लेगा और हम उसी के हिसाब से काम करने लगेंगे। विल्म रुडोल्फ को 7 साल की उम्र में स्कॉटलेट फीवर हुआ था, जिसके बाद वो पोलियो की शिकार हो गई। उनके डॉक्टर ने कहा कि वो कभी नहीं चल सकेंगी, लेकिन उनकी माँ ने उनका हौसला बढ़ाया। समय के साथ विल्म ने खुद से कहना शुरू किया कि एक दिन वो दुनिया की सबसे तेज महिला बनकर दिखाएंगी। वे हर रोज खुद से ऐसी बातें करने लगी। फिर 1976 में ओलंपिक रेस में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते। इस तरह से खुद से पॉजिटिव बातें करने से आप खुद को अपनी हदों से आगे ले जा सकते हैं। चैप्टर 4, पैसों से आपकी जिंदगी में खुशियां और गम दोनों आ सकते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करें। हम जो भी काम करते हैं उसका एक नतीजा होता है। उस काम का असर सिर्फ एक जगह नहीं होता, बल्कि कहीं ना कहीं पर उसका अच्छा या बुरा असर पड़ता है। ठीक उसी तरह हम जिस तरह से पैसों का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं पर अच्छा या बुरा असर पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने मुसीबत में अपने किसी दोस्त को पैसे देकर उसकी मदद की, तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और इसका असर भी अच्छा ही होगा। आपका आपके दोस्त के साथ रिश्ता मजबूत हो जाएगा और अगर कभी आप पर मुसीबत आती है तो वह भी आपकी मदद के लिए तैयार रहेगा। लेकिन अगर आप अपने किसी दोस्त से झूठा नाटक करके उसका पैसा ले और ना लौटाएं, तो आप उसका भरोसा तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वह भी आपके साथ वैसा कर सकता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप पैसों को सही ढंग से कमाएं और सही ढंग से उसे खर्च करें। आप किसी एक काम के भरोसे मत रहिए। सिर्फ एक काम के पीछे भागने से आप उस पर इस तरह से निर्भर हो जाते हैं कि उसमें नाकाम हो जाने के बाद आप पूरी तरह से निराश हो जाते हैं। आपको लगने लगता है कि अब इस दुनिया में आपके करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप उसी काम को या उसी चीज को अपना सब कुछ मान चुके होते हैं। इसीलिए कभी भी एक चीज को लेकर मत भागिए। इससे आप खुद को दूसरी अच्छी और बेहतर चीजों से दूर हटा लेते हैं। जब आप किसी एक चीज से जुड़े नहीं रहेंगे, तब आप पाएंगे कि इस दुनिया में और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए ज्यादा सही हैं। चैप्टर 5, खुद को अपने डर से आजाद करने के और भी बहुत से रास्ते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा डर और हमारी शंकाएं हमारे अंदर कुछ इस तरह से बसी रहती हैं कि उन्हें निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह शंकाएं हमारे अंदर सालों से मौजूद हैं और बार बार इन बातों को खुद से कहते रहने की वजह से हमारा दिमाग इसे पूरी तरह से सच मान चुका है। इसीलिए यह डर इतनी आसानी से नहीं जा सकता। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसका इलाज है। इस परेशानी से निकलने के लिए आपको कुछ मुश्किल कदम उठाने होंगे। इसके लिए आपको वो करना होगा जिसे करने से आप अब तक डरते आए हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप ऑथर को ले लीजिए। उनका ख्वाब था कि वे एक कामयाब लाइफ कोच बन सकें। इसके लिए उनके पास 2 ऑप्शन थे, $15,000 में एक ग्रुप क्लास करना या फिर $85,000 में एक एक्सपर्ट कोच के साथ अकेले में क्लास करना। वे जानती थी कि अगर वे अकेले क्लास करेंगी तो इसका फायदा ग्रुप में क्लास करने से ज्यादा होगा, लेकिन उनके पास उतनी ज्यादा पैसे नहीं थे। फिर भी उन्होंने मुश्किल फैसला किया और खुद से कहना शुरू किया कि वे इसका कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगी। कोचिंग लेसन के लिए फॉर्म भरते वक्त उनके अंदर बहुत से सवाल थे। उन्हें लग रहा था कि वे गलत फैसला कर रही हैं और उनके पिता इससे निराश होंगे, लेकिन उन्होंने खुद को कहानियां सुनाना शुरू किया
उन्होंने सोचना शुरू किया कि इस क्लास के बाद वे बहुत कामयाब हो जाएंगी, जिससे उनके पिता को उन पर फक्र होगा। इस तरह की बातों से उन्हें हौसला मिला और उन्होंने फॉर्म भर दिया। कुछ इस तरह से आप भी अपने डर से आज़ादी पा सकते हैं। आप बस वो काम करते जाइए जिससे आपको डर लगता हो, और एक दिन आप खुद के ऊपर जीत हासिल कर लेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। पैसों का काम व्यापार को आसान बनाना है। इसके आ जाने से हम आसानी से चीज़ों का लेन देन कर सकते हैं। इसमें अच्छे या बुरे जैसे कोई चीज़ नहीं है। अगर हम इसका इस्तेमाल बुरे काम के लिए करते हैं या फिर इसे पाने के लिए गलत रास्ते अपनाते हैं तो हम बुरे हैं, ना कि पैसा। पैसों के आ जाने से हम अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि हमें पैसा क्यों चाहिए, लेकिन उससे भी पहले हमें इसके बारे में अच्छा सोचना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर यह बुक समरी समाप्त होती है। ये समरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।